जिस प्रकार से चाइना में और चीन में इतनी बेरहमी से, इतनी बेदर्दी से जानवरों को, पशुओं को, जीव जंतुओं को मार के काट के जिस प्रकार से वीडियो देखा जा रहा है, तो निश्चित रूप से आप ये समझ लो कि उसी का परिणाम है। जब आप निरीह जानवरों को, निरीह पशुओं को, निरीह जीव जंतुओं को मारते हो, तो उससे मारने के साथ ही उसकी एक तरंग निकलती है, नकारात्मक तरंगे, और वो तरंगे जो होती है तो उसके बाद वो एनर्जी इकट्ठे होकर के और फिर एक ऐसी पावर आता है कि जिसकी खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। तो निश्चित रूप से आप ये समझ लो कि हमें ऐसा प्रतीक होता है कि वही का परिणाम है। आप देखो कि अहंकार किसी का नहीं चल सकता। अब जरा जब किसी पे आप जीव जंतुओं को या ऐसे को मारोगे तो स्वाभाविक है कि एक नकारात्मक पावर आएगा और आपको सबक सिखाएगा। प्रकृति अपनी बदला लेती है, तो प्रकृति ही अपना बदला ले रही है। वो फिर भी हम चाहते हैं कि कोरोना शांत हो और उस और ये जो मांसाहार है लोग छोड़े और संकल्प ले। चाइना पूरे देश और पूरे विश्व के लोग आज आवश्यकता इस बात का है कि संकल्प ले कि मांसाहार छोड़े, किसी जीव जंतु को ना मारे, तो निश्चित रूप से पूरे विश्व स्वर्ग होगा। अगर जहाँ पे मांस लोग खा रहे हैं, मार रहे हैं, तो कभी प्राकृतिक आपदा आएगी, कभी लोगों को कोरोना नामक वायरस जो कहा जा रहा है कि कोरोना और अनेक प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न होगी। तो इसलिए हमारा निवेदन है कि परमात्मा के सब में अंश है, वो आप किसी को हानि न पहुंचाओ, किसी को मारो मत अपनी जीवा के स्वाद के लिए। ये मारना महापाप है। अगर कानून उसके लिए नहीं है किसी देश में, तो परमात्मा का कानून बहुत ही कठोर है, उसके यहाँ कभी समझौता नहीं होता। जो आपने किया, जो कर्म किया, उसका फल आपको मिलना ही मिलना है। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती।